दोस्तों, संघर्ष जिंदगी का दूसरा नाम है, यह मैं हमेशा से मानता आया हूं। सालों पहले इस शहर की किसी सड़क पर कड़ी धूप में मैं जब चल रहा था, तो मैंने उसी वक्त अपने मन में एक बात ठान ली थी कि एक दिन इस शहर से मैं अपनी जगह मांगूंगा, अपनी पहचान मांगूंगा, और आज वो मुझे मिल गई। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना, इतना सम्मान पाना किसी एक अकेले आदमी के बस में नहीं है। इसमें औरों का भी योगदान है, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका, जिन्होंने मेरी मदद की। मिस्टर चावला, मिस्टर भल्ला और मिस्टर सावन, और खासकर मैं शुक्रगुजार हूं उसका, जो हमेशा मेरे पीछे रही, जिसने हर हाल में मेरा साथ दिया, मेरी संस्था, मेरे मैनेजर्स, मेरे डायरेक्टर्स। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी फैमिली का, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेरे सप्लायर्स, आखिर ये सब मेरी फैमिली ही तो हैं। मैं इन सब का आभारी हूं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका, जो अगर ना होती तो शायद आज मैं यहां ना होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है मेरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। तो रवि, कैसा महसूस हो रहा है कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचकर? अरे, महसूस होने की क्या बात, मुझे तो सालों से एहसास था कि एक ना एक दिन ये अवार्ड मुझे जरूर मिलेगा। एंड आफ्टर ऑल, कामयाबी है क्या, यू फिक्स योर गोल और उस तक पहुंचने के लिए कुछ भी करो। ये बात सही है रवि, हर सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अपना गोल फिक्स करते हैं और अपनी कामयाबी अकेले पा लेते हैं। उन्हें अपनी बीवी और घर वाले के सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, घर वालों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और सोनिया तो मेरी कामयाबी का हमेशा से हिस्सा रही है, अब जो चीज सारी दुनिया जानती है उसको दोहराने की क्या बात है? सोनिया इज अ पार्ट ऑफ मी, मेरा हिस्सा है ये। हाँ रवि, मगर हो सकता है कि रक्षा, रवि जो कह रहे हैं वो सही है। इन्होंने जिन लोगों का जिक्र किया वो पराए थे। मैं तो अपनी हूं, अपनों का क्या जिक्र करना। इनफैक्ट मुझे इस बात की खुशी है कि ये मेरे वजूद को अलग नहीं समझते।